तो गाइज वेलकम टू आवर व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हो घर पूरा खाली है, बच्चे गए हुए हैं नानी हाउस, पुनीत और बच्चे, तो मैं जा रहा हूँ उनको लेने। तो मिलते हैं नानी हाउस में बच्चों को लेने। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली पहुंच गया हूं बच्चों को और पुनीत को लेने। तो अब बेल बजाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कि इतने दिनों बाद मैं उनको लेने आया हूं तो उनका क्या रिस्पांस रहा है, मतलब क्या करते हैं वो लोग मेरे को देख के। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। पपिया पपिया, हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको हमसे मिलके इतने दिनों बाद? रमनीत को बहुत याद आ रही थी हमारी, इसलिए भागे भागे चले आए हैं। बच्चे कहाँ हैं? पहले मुझे बताओ, हाउ मच डिड यू मिस मी? यार मैं सच नहीं बोल सकता कि मैंने मिस किया है कि नहीं किया, बट एनीवेज मुझे बच्चों से मिलना है, लेट्स गो इनसाइड। पहले जवाब दो। नहीं, नहीं चलो पहले बोलो। ये बातें बताई नहीं जाती। नहीं बोलूंगा मैं। चलो देखो बच्चे कहाँ हैं। ये कौन खड़ा हुआ है? ओ हो, ये देखो, ये एक और भाई साहब आए हैं हमारे। हाँ जी सर, हाउ आर यू? फाइन। ओके, तो कौन कौन है? ये रहा, पहले इनको सत श्रीकाल बुलाएं। हेलो सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। सत श्रीकाल जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू। और पार्टियां कहाँ है हमारी? हेलो 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 सर, हाउ आर यू? हेलो 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 मैडम, हाउ आर यू? हाउ आर यू? तो गाइस अब देखते हैं हमारी पार्टियां। हाँ जी, वो पहले ही मिल चुके हैं भाई हमसे, सब आ चुके हैं। तो अब इनकी धमाल चौकड़ी चल रही है। हाँ भाई, कैसा चल रहा था तुम्हारा, क्या क्या किया तुम लोगों ने? चलिए शुरू करते हैं। हमें भी खेली, पापा ने हमें कितना मिस किया। चलो मिस क्या होता है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मिस होता है कितने भागे आए हैं गाइस, कोई मिस याद आती है। ये कह रहे हैं गाइस मिस क्या करना है, हम सारा दिन हम फेस टाइम पे गेम खेलते रहते थे और अपना एंजॉय करते रहते थे। सियान कहाँ गया? ओ भाई ये देखो, ये अभी भी गेम खेल रहा है। हेलो बॉस। भाई साहब हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो आप भाई साहब? गाइस अभी आया हूँ, बैठे हैं, कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ मतलब नहीं है, पहले हमारे साथ गेम खेलो। अब ये तंबोला शुरू हो गई है। बोलो बोलो सर, बोलो। शफल हो रही है अभी, ये शफल हो रहा है। शफल चीटिंग? नो नो चीटिंग। ये क्या बात करते हैं यार? नो चीटिंग। 29 हो गया। चीटिंग नहीं, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। नो चीटिंग, शाबाश। कोई अच्छा नंबर मेरे को भी दे दो, मेरा अब तक एक ही नंबर कटा है यार। व्हाट इज दिस, इतनी बड़ी पर्ची पकड़ा दी है। आपका कटा वन नंबर, मेरा भी वन ही हुआ अभी तक। जीरो नंबर, जीरो टू डिजिट जीरो नंबर। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी ऑन है। क्या खाना है? किचन हमारी बिखरी हुई है अभी, पूरी पूरी किचन बिखरी हुई है। कोई नो प्रॉब्लम, बहुत सही है। यू नेम द थिंग एंड यू विल गेट हियर। यू नेम द थिंग एंड यू विल गेट हियर। ओके, तो गाइस तैयारी शुरू है पार्टी की। और यहाँ भी देखो, ओह माय गॉड, ऐसे चिली पोटैटो। चिली पोटैटो है ये, आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, मैं आपको पवलिन का नंबर दे दूंगी। आप दोनों, आप दोनों। Later that same evening. ये देखो गाइस, क्या आओ ना पापा, आओ कैरम खेलने चलते हैं। ये देखो, ओ भाई यार, कैरम खेलने चलते हैं। चलो उठ रहे तो दोस्त, पापा को बहुत दिन का आराम मिल गया है, वापस आ जाओ। अरे बस कर भाई, वो पागल कर दिया, पिता छोड़ दे यार। चलो कमाल है यार, ये एक सेकंड नहीं बैठने दे रहे हैं। तो
तो ये अब जबरदस्ती गेम खिलवा रहे हैं, अब कहने की भैया कैरम बोर्ड खेलना पड़ेगा। अब ये कैरम बोर्ड का सेशन शुरू हो गया है। ओके गाइस, हमारे पास 120। कौन जीत रहा है? नहीं, 130 हम जीत रहे हैं। ओके गाइस, क्या है ये? ये नहीं जाएगी, ये नहीं लग रहा है ऐसा। A few moments later. तो गाइस मुझे आप ये बताओ, आप यहाँ पे पूरा दिन करते क्या थे? सबसे पहले कौन बताएगा? मैं। चलो शनाया। शनाया। गाइस हम गेम खेलते थे एंड डील, मोबी डील, कैरम बोर्ड एंड तंबोला एंड गाइस बहुत सारा खाना ही खा रहे थे। और अनान्या आप बताओ? पहले मैं उठती हूँ सुबह। कितने बजे? थोड़ा सा लेट। कितना लेट? आजकल का फैशन है, शायद तुम नहीं जानते। थोड़ा सा ही। फिर क्या करते हो उठने के बाद? उठने के बाद लंच करती हूँ मैं। ब्रेकफास्ट हमेशा मेरा मिस हो जाता है। और उसके बाद हम एक मामू के साथ गेम खेलते हैं। आज मैं तो मैं जीतती हूँ। सियान आप क्या करते हो भाई साहब? ये बढ़िया था। इसका सही है गाइस। Later that same evening. Guys, तो finally lunch हमारा, आप देख सकते हो कि लंच हो गया है। और लंच हमारा कितने बजे हो रहा है ये भी आप देख लो। What? 6:07 पे शाम को हमारा लंच हो रहा है। तो ये मैडम अभी भी खा ही रही है लंच। कमाल हो गया यार। गाइस तो आज हम आए थे तो एनिवर्सरी भी है पुनीत और हमारे मम्मी पापा नानू नानी बच्चों के, तो केक कटिंग भी चल रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली आपका टाइम आ गया वापस जाने का। एनी कमेंट्स? आपको यहाँ रहना है या वहाँ जाना है? देखो मैं एक हफ्ता यहाँ रुकी हूँ, मगर ऐसे लग ही नहीं रहा है कि एक हफ्ता हो गया है। और अगर कल से बच्चों के स्कूल ना होते तो मैं शायद वापस अभी नहीं जाती। फाइनल ये डिसाइड करो, जाना है रहना है? बच्चों के कल से स्कूल है इसलिए जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है मतलब मन नहीं है जाने का? पड़ रहा है। पड़ रहा है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जाना पड़ रहा है। तो भाई साहब अब टाइम हो गया है, अब आपको वापस चलना है या यहीं पे रहना है? वापस चलना है। वापस चलना है? भाई को वापस चलना है। हाँ जी मैडम, वापस चलना है यहीं पे रहना है? ये देखो ये बोल रहे पीछे से कि मना कर दे नहीं जाना। आप बताओ क्या करना है? पोत मतलब जाना भी या नहीं भी जाना, ये क्या जवाब हुआ? गाइस रहना भी है और वहाँ जाना भी है। गाइस आप लोग अपने कमेंट करके बताओ, जब आप लोग अपनी नानी हाउस के जाते हो क्या आपका वापस आने का मन करता है या वहीं रहने का मन कर जाता है? कमेंट। सिनाया आपका क्या मन है, रुकना है जाना है? गाइस मेरे को रुकने में भी मजा आता है, मेरे को उधर में भी मजा आता है। इनके ड्रामे ज्यादा चल रहे हैं, इनको सबसे बना के रखनी है। आप सच्ची कमेंट करना। हाँ जी हूँ बच्चे वापसी जाने का टाइम हो गया है, तो आपका एक हफ्ता कैसा निकला इनके साथ? अब वापस चले जाएं या यहीं पे रुकेंगे? यहीं ठहर जाओ एक हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दो। एक हफ्ता और एक्सटेंड कर दो? इन बच्चों ने मैंने सुना यहाँ तूफान मचाया हुआ था, आप सहलोगे एक हफ्ता और सहलोगे? आराम से, आराम से सहलोगे। ये तूफान आता रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, चलो ठीक है, चलते रहे बस। ठीक है नान्या, आपको ये लोग रख लेंगे एक हफ्ता और। बड़े आराम से दिल भरा टाइम पास हो जाएगा, बहुत अच्छा। एक हफ्ता तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, कैसे बीत गया। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
ये रो क्यों रही है? गाय, मेरे गाने का मन नहीं कर रहा। तो रोने की क्या बात है? पापा, मुझे लगता है इसको जाने का मन नहीं कर रहा। अरे तो चुप हो जाना भाई, रोने की क्या बात है इसमें? मोशन आया, आप रो रहे हो? मेरा बेटा रोना नहीं है। नानी हाउस तो हम इंजॉय करने आए थे, है ना? हम फिर से आ जाएंगे ना? मेरा भी तो नहीं मन कर रहा, कल से हमारा स्कूल है ना? तो स्कूल हमने पढ़ना है, ऑनलाइन क्लास जरूरी है, मगर हंस के रो के नहीं जाना। वी विल कम बैक छुट्टियों में, है ना गाइस? हंस के आए, हंस के जाएंगे, एंड वी विल कम बैक। यस, गुड गर्ल। तो गाइस फाइनली ये लोग मान गए हैं यहाँ से जाने के लिए, और हमारी गाड़ी तैयार है, हमारी गाड़ी तैयार है, हीरो होंडा वाला हीरो चलेगा, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो आपके लास्ट वर्ड्स, हाँ जी, आपको कैसा लगा? हमें भेजने का मन नहीं कर रहा है, अब क्या करें, इनके स्कूल खुल गए हैं, इनको जाना पड़ेगा। तो गाइज हमारे आज भी 70% व्यूज नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं, तो गाइज आप हमारे कहने पे तो सब्सक्राइब कर नहीं रखो, जिन्होंने कर रखा है उनका थैंक यू, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा आप भी बोल दो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लो, शायद आपके कहने पे कर दें। हाँ जी जरूर करना, या चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को हिट लाइक। बाय गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लिविंग इन हॉन्टेड हाउस फॉर 24 आवर्स, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीत सिंह 1313 पे। हमारे चेहरों को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इसको अपने रिस्क पे ही देखता। बहुत स्केरी वीडियो है गाइस, वीडियो नहीं के लिए क्लिक अपनी गारंटी पे क्लिक करना। कमजोर दिल वाले इसको ना देखें प्लीज।